पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर ने निजी कॉलेज में पीएनबी लाडली किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राकेश गुप्ता ने की। पीएनबी लाडली योजना के तहत मंजुला गुप्ता द्वारा 100 छात्राओं को बैग और कॉपियां प्रदान की गई। इस योजना के तहत प्रति 6 माह में छात्राओं को बैग और कॉपियां प्रदान की गई हैं। इस योजना के तहत प्रति माह 100 रूपए खाते में जमा करवाए जाएंगे। किसान बालक योजना के तहत 40 छात्र छात्राओं को आर्थिक अनुदान स्वीकार किया गया है। पीएनबी प्रेरणा अभियान के तहत क्षेत्रीय अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में कंबल भी दान किए गए। हमारा प्रयास यही है कि जिन ब्रांचेस ने, जिन शाखाओं ने और जिन वरिष्ठ प्रबंधकों ने आज हमें सपोर्ट किया है, जो अपने साथ ऐसे जिनकी प्रपोजल्स लेकर आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस कार्यक्रम को जारी रखें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनबी परिवार के दायरे में लेकर आए। और हर प्रयास ये होना चाहिए कि हम हर एक्टिविटी के अंतर्गत हमीरपुर सर्कल में पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी हमें थोड़ा समय दिया और आज पूरे दिन की एक्टिविटीज में हम उनको साथ लेकर चले। पिछले 2 दिन से हम हमीरपुर अंचल सर्कल जो है हमारा, जिसके अंदर बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंतर्गत हम ये सामाजिक दायित्व के तरह हम वेरियस एक्टिविटी की है। कल हम बिलासपुर में जोनल हॉस्पिटल्स में हमने ऐसे ही उनको कंबल वितरण किए, वहाँ एटीएम का इनॉग्रेशन किया वहाँ, ताकि वो जो गरीब लोग रात को आते हैं जहाँ पर उनके पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनको ठंड में जो है प्रॉपर कंबल की व्यवस्था नहीं हो पाती हॉस्पिटल से, तो वो बैंक की तरफ से हमने वो दिए कंबल्स ताकि वहाँ भी ये व्यवस्था की जाए। इसी तरह आज ये कार्यक्रम हम यहाँ पर हमीरपुर के हॉस्पिटल में कर रहे हैं ताकि यहाँ भी जो अटेंडेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ या बच्चों के साथ, उनको ठंड में परेशानी ना हो, उसके लिए भी कंबल वितरण किया। साथ में पीएनबी प्रेरणा की तरफ से फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। इससे पहले हम लोग हमीरपुर में एक लाडली स्कीम हमारी जो है पंजाब नेशनल बैंक की सामाजिक देती है, वो गरीब बच्चियां जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, उन गरीब बच्चियों को बैंक जो है 2500 तक जो पढ़ने की सामग्री है वो देता है, प्लस उस बच्ची का अकाउंट बैंक में खोलकर उसमें 100 रूपये पर मंथ से उसके अकाउंट में भी डाला जाता है, और ताकि वो बच्ची जो है अपने माँ बाप पर निर्भर रहे, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए। ऐसी बच्चियों को बैंक जब अडॉप्ट करता है तो ये 12वीं तक उन बच्चियों को लेकर उसका जो है पढ़ाई का सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़ाई में रुके ना। ये इसके अलावा हमारे किसान बालक प्रोत्साहन के अंदर भी आज हमने कुछ बच्चे जो गरीब किसान है, जिनकी भूमिहीन किसान है, जिनके पास जमीन नहीं है, और जमीन अगर है भी तो जमीन बहुत ही कम है ताकि वो अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे को कहां से पढ़ाएंगे। ऐसे किसानों के बच्चों को भी हम अडॉप्ट करते हैं और उनको बच्चों को भी हमने उनके अकाउंट्स में पैसे डाले हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और पढ़ाई 12वीं तक करें। ये दोनों स्कीमें आज जो है हमने की हैं। उसके अलावा हमारी आज हमने कुछ स्वयं सहायता समूह ग्रुप, जिसके अंदर कुछ महिलाएं जुड़कर कुछ एक्टिविटी करती हैं, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हमने कुछ ग्रुप्स को वहां लिंक किया है। प्लस सरकार की मुद्रा स्कीम है जिसके अंतर्गत हर छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे का जो काम करते हैं, उद्योग करते हैं, उनको बैंक से लोन जो लेना है वो सुविधाजनक हो, तो ऐसे उन लोन को भी आज वितरण किया है वहां पर। तो कुछ महिलाओं को या कुछ दूसरों को शिक्षा ऋण के उपलब्ध भी आज हमने 8 करोड़ के ऋण वितरण किए हैं वहां। हमारी जो हमीरपुर सर्कल की तरफ से हमारे सारे प्रबंधक वहां पर आए हुए थे, उन प्रबंधक के द्वारा ही जो साथ मिलकर ही ऐसे जो कार्यक्रम करने का मतलब सब लोग इनकरेज रहे, उसी तरह जो है समाज जो है आगे बढ़े। विभिन्न स्कीमें लॉन्च करते हैं लेकिन उन स्कीमों का जो है मेन उद्देश्य ये होता है गरीब तक बैंक कैसे पहुंचे। तो आप गांव में जो है बैंक की शाखाएं जहां नहीं खुल सकती वहां बैंक मित्र को जो है बैठाते हैं, जिसके पास एक कियोस्क, एक लैपटॉप होता है, जिसके अंतर्गत पूरी बैंक की सुविधाएं जो है वहां के दूरदर्शी इलाके जहां बैंक नहीं पहुंच सकता वहां सुविधा वहां बैंक से लिंक किया जाए। उसी के साथ बैंक जो है आधार लिंक के लिए बार बार कहता है कि सभी लोग आधार का कार्ड बनाएं और आधार को बैंक के अकाउंट से लिंक करें, ताकि उसको कोई भी जो सरकार की स्कीमें हैं जहां पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में आता है तभी वो आ पाएगा जब उसका जो है आधार बैंक के अकाउंट से लिंक होगा। उसी तरह हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत सबको ये प्रोत्साहन देते हैं कि आप अपना मोबाइल को भी बैंक से लिंक कीजिए और मोबाइल का नंबर जरूर बैंक में लिखाइए, ताकि आपके अकाउंट में कोई भी लेन देन आपको तुरंत पता लग जाए, उससे फ्रॉड से आप बच सकते हैं। तो ये सारी जो है डिजिटल इंडिया के एक तहत सरकार की स्कीम है जिसको बैंक जो है आगे गांव तक, किसानों तक ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलिंग सेंटर्स हैं जो हमारे यहाँ हमीरपुर में भी है, दनऊना में भी है, ये गांव-गांव जाकर जो है इन चीजों को पढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं, ताकि वो लोग जो है बैंकों से जुड़े और बैंक से जुड़ने से अपने आधार को लिंक करें, अपने मोबाइल को लिंक करें। ऐसी जो है कंटिन्यूटली में स्कीमें चलती रहती है।